हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं सर। आज अपना एक गोल बनाइए, एक ड्रीम बनाइए और एक ड्रीम को कागज पे लिखिए सर, और फिर अपने आप को पूरी ताकत के साथ उस ड्रीम में झोंक दीजिए सर। मैं जब इस बिजनेस में आया था ना, तो मेरे को बीसी छाबड़ा जी ने पहली बार स्टेज पे पूछा था क्यों कर रहा है आज ये, तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा सर पैसा चाहिए, कहते कितना, मैंने कहा जितना आ जाए। उन्होंने कहा मान लो आ गया क्या करेगा, मैंने कहा सर ऐसे करेंगे और क्या करेगा, उन्होंने कहा नहीं ड्रीम लिखो। तो सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार पे 7 लाख रुपए का कर्जा था। पहला मेरा ड्रीम था कि ये कर्जा उतारना है, दूसरा ड्रीम था मेरे को बाइक खरीदनी है, तीसरा ड्रीम था गांव में मकान बनाना है, चौथा ड्रीम था बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालना है, पांचवा ड्रीम था जयपुर में शिफ्ट होना है, छठा ड्रीम था परिवार के लिए 10-20 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करनी है। ऐसे मैंने 150 ड्रीम की लिस्ट बनाई और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं काम करता था तकलीफें आती थी, कोई अपलाइन छोड़ देता था, कभी कोई डाउनलाइन छोड़ देता था, कभी कोई चीटिंग कर लेता था, कभी कोई बुरा भला बोलता था, तकलीफ होती थी, तो मैं फोन करता था पीसी जी को कि सर लोग मना कर रहे हैं क्या करें। तो उन्होंने पूछा ड्रीम तुम्हारा है या लोगों का है, मैंने कहा सर मेरा है। तो संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा या लोगों को करना पड़ेगा, तो मैंने कहा सर मुझे करना पड़ेगा। तो सिंपल फार्मूला है सर, एक बड़ा सा ड्रीम ड्रा करिए। कितने लोग आज वादा करते हैं ड्रीम ड्रा करके जाएंगे, पक्का करेंगे सर? Yes. नहीं मर्दों वाला था, ढीले वाला यस फ्यूचर में ठंडे yes. पानी से भाप नहीं निकलती है भाई, भाप कौन से पानी से निकलती है? यस और नो सर? बड़ा टीम बनाए, एक बड़ा प्लानिंग करें। अभी दीदी बोल रही थी कि जब कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, एजुकेशन दे रही है, जूम मीटिंग दे रही है, फिर पीछे रहे। तो फिर सर बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा दिमाग खराब नहीं है सर, आपका भविष्य खराब है। और अपनी टीम में जो लोगों को डेवलप करना शुरू कर देते हैं, वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। आज जो ये पिंक ड्रेस में जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, आपने आज एक पहली पायदान पे कदम रखा है सर। हजारों किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत इंसान के पहले कदम से होती है, हाँ या ना साहब? तो ताली बजा लीजिए आप, डायमंड बनने की आज आपने शुरुआत कर दी है ना। अब आप लर्निंग मोड में आ जाइए सर, सीखने के मोड में आ जाइए। और इस दुनिया में बड़ी बड़ी कामयाबियां केवल सीखने से प्राप्त की जा सकती है। बच्चा पैदा होता है, आपने कभी सुना कि बधाई हो आपके घर में डॉक्टर पैदा हुआ? हेलो सुना कभी कि टीचर पैदा हो? क्या पैदा होता है? बच्चा पैदा होता है। जब सीख कर डॉक्टर बन सकता है, जब सीख कर टीचर बन सकता है, सीख कर ट्रेनर बन सकता है, सीख कर आत्मघाती आतंकवादी बन सकता है, तो कितने लोगों को लगता है सीख कर निर्जरा और निर्दयी बना जा सकता है? पक्का बना जा सकता है। अच्छा खुद बने या टीम में भी डेवलप करें सर? अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी ग्रीन ये कोट पेंट कोट वाले है ना, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक जिम्मेवारी है हजारों लोगों की, आप हजारों लोगों की रहनुमा बने। अब आपके सामने दो विकल्प है, एक तो जो छोटी मोटी सफलता मिल जाए वो लेके यस बहुत अच्छा हो गया, तो इनका मैडम के साथ फोटो हो गई, 4 जगह हमारा नाम हो गया, 2 सीट मिल गई, घर पे बैठ जाओ। और दूसरा आज इधर से टारगेट लेके जाए कि जो काम मुकेश कोठारी सर ने किया, जो काम डीसी छाबड़ा सर ने किया, जो काम सुरेंद्र वत्स साहब ने किया, जो काम राजा राम सानू सर ने किया, अचीवमेंट लेने के बाद अपने जैसे डुप्लीकेट किए, कितने लोग आज वादा करते हैं हम डुप्लीकेट करेंगे सर 100%? पक्का करेंगे सर? आज इधर से जाए तो आए हैं वैसे मत